हेलो, मेरा नाम दिव्यांशु गहलोत और मैं यहाँ पे यूक्रेन में हूँ अभी। और यहाँ पे जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और मैं यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट का प्रेसिडेंट हूँ, इवानो फ्रेंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का। और यहाँ पे सुबह से रशिया ने बॉम्बिंग कर रखी है। यहाँ पे हर 15 मिनट में किसी न किसी सिटी के अंदर बॉम्ब फट रहा है। और यहाँ पे कंडीशंस बहुत ज़्यादा बेकार हैं। और हम लोग इसलिए जुड़े हैं कि हम इंडियन गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोगों को प्लीज प्लीज यहाँ से निकाल लीजिए, क्योंकि कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब है यहाँ पे। क्योंकि फूड यहाँ पे मार्केट्स में खत्म हो चुका है, एटीएम्स में पैसे नहीं है, विड्रॉल नहीं कर सकते हो आप, सारी चीजें बंद हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ कंडीशंस बहुत बेकार है। और अगला बम ब्रिंग पता भी नहीं है कहाँ पे होगी, किस जगह होगी। हम सब लोग जुड़े हुए हैं, हम सबसे, इंडियन गवर्नमेंट से सबसे बस यही रिक्वेस्ट करते हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लीजिए, प्लीज यहाँ से निकाल लीजिए जल्द से जल्द। मेरे साथ और भी मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त जुड़े हुए हैं, ये भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस बहुत खराब हैं। मेरा नाम मानवी भार्गव, मैं इवानो फ्रांकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और आज यहाँ सब जुड़ने का सिर्फ यही मकसद है कि हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज हम यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्क में हैं और हमें यहाँ से जल्द इवैकुएट करा जाए। हेलो, मैं अपूर्वा इवानो फ्रांकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन से हूँ। हम सभी यहाँ पे फंसे हुए हैं। हमारी फ्लाइट थी कल की जो कि कैंसिल हो गई है क्योंकि आज ही वार सिचुएशन स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे जो अटैक हो रहे हैं, जो मिसाइल्स देखने को मिल रही है, कई वीडियोस शेयर हो रही है, हमने सामने से भी देखा है लाइव। तो हमें हमें इंडियन गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए जल्द से जल्द। हेलो, मेरा नाम अंश भार्गव है और आई एम द स्टूडेंट ऑफ इवानो फ्रेंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। मेरा फोर्थ ईयर है और हमारी बस यही रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके सारे इंडियंस को यहाँ से ले जाए, क्योंकि अब सिचुएशन अब अंडर कंट्रोल नहीं रही यहाँ पे, क्योंकि रशिया अब इन्वेजन कर चुका है। सो प्लीज रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट हमको जल्द से जल्द इंडिया ले जाए। मेरा नाम विवेक गुप्ता, मैं फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ यहाँ पे और मेरी इंडियन गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमको निकाला जाए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह ही बॉम्बिंग हुई अभी यहाँ पे 5:30 बजे और अब कब कब होगी पता नहीं हमको। तो इसलिए जल्द से जल्द इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है हमारी कि हमें निकाला जाए यहाँ से। हेलो, मेरा नाम सोनू है और मैं इवानो फ्रेंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में फिफ्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ। और यहाँ सुबह सुबह जो है इवानो के एयरपोर्ट पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और हम यहाँ बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रहे। तो प्लीज़ हमारी इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। हेलो, मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं इवानो फ्रेंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में फिफ्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ। और आज शाम की मेरी फ्लाइट थी और लेकिन बॉम्बिंग के कारण मेरी जो ट्रेन मैंने बुक कर रखी थी वो भी कैंसिल हो चुकी है और मुझे वापस आने में भी काफ़ी परेशानी हुई है। जैसे तैसे मैं वापस अपने फ्लैट पहुंचा हूं, तो मेरी इंडियन गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें इवैक्यूएट करें जल्द से जल्द। धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम अखिल शुक्ला है, मैं इवानो फ्रेंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ। और यहाँ इवानो में भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। यहाँ के एयरपोर्ट पे अभी मिसाइल अटैक हुआ है सुबह 5-6 बजे के आसपास। और मैं इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से इवैक्यूएट करें। हेलो, मेरा नाम अभयवीर सिंह है और मैं 6th ईयर का स्टूडेंट हूँ इवानो फ्रेंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। सुबह 5 से 6 बजे के बीच में जो मिसाइल अटैक हुआ है उससे हम सारे बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा अराजकता फैली हुई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है इंडियन गवर्नमेंट से कि हम लोग को यहाँ से जल्दी से इवैक्यूएट करें और या फिर हमें सेफ जगह पर पहुँचाया जाए। सर, इंडियन गवर्नमेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे तो सिर्फ अभी कुछ स्टूडेंट्स जो हमारे साथ के हैं, मेरे दोस्त हैं, वो लोग जुड़े हुए हैं, बट यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट फंसे हुए हैं। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, सब यूनिवर्सिटीज में इतने स्टूडेंट फंसे हुए हैं, इस अकेली यूनिवर्सिटी के अंदर 1500 स्टूडेंट हैं। तो सर, प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ इस टॉपिक को ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सीरियस लिया जाए। बहुत ज़्यादा कंडीशंस ख़राब हैं यहाँ पे। और आने, अभी तो पहला दिन है, अभी तो शुरू हुआ है, तो इतना पैनिक क्रिएट हो चुका है कि आगे आगे तो पता नहीं क्या होगा। तो सबसे बस हाथ जोड़ के यही विनती है कि प्लीज हम लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट कर लीजिए या किसी अच्छी जगह यहाँ से पहुँचा दीजिए सेफ जोन में। बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, आप सबसे यही है कि प्लीज हम लोगों को यहाँ से सेफली निकाल लीजिए। थैंक यू।